मधेपुरा के रतवारा थाना की पुलिस ने खापुर के पूर्व मुखिया मुकेश कुमार सिंह हत्या मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी संदीप सिंह ने रविवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि वर्चस्व की लड़ाई पर पहले केस मर्डर को लेकर मुकेश की हत्या की गई थी। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए उदार किशुनगंज एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। इसमें कई थाना अध्यक्ष डीआईयू सेल व और अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। इस टीम ने एसटीएफ के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी कर घटना में शामिल कुख्यात अपराधी खापर निवासी रामोतार सिंह के बेटे झपटा सिंह को वेदा सिंह के बेटे रोहित सिंह को गिरफ्तार किया। दोनों अपराधियों के ऊपर 25-25 हजार रूपये का इनाम भी था। पूछताछ में दोनों ने इस कांड में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया। इसके साथ ही घटना के समय मौजूद अन्य अपराधों की जानकारी दी गई। इन दोनों के निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल देसी कट्टा को बरामद कर लिया गया है। एसपी ने आगे बताया कि कार में शामिल तीसरे अपराधी को बिहारीगंज थाना क्षेत्र के मोहनपुर वार्ड संख्या 10 गिरफ्तार किया गया है। ये गंगा मेहता का बेटा अखिलेश मेहता है। इसके अलावा एसपी ने बताया कि घटना का कारण वर्चस्व की लड़ाई और सिंधु कुमार नाम के व्यक्ति का मर्डर है। आपको बता दें कि 15 अप्रैल की शाम गांव में सड़क झलाई के दौरान छत्रहुरु सिंह के दुकान के आगे चापराई पर बैठे पूर्व मुखिया मुकेश कुमार को अपराधियों ने गोली मार दी थी। इस दौरान उनकी मौत हो गई थी। छापेमारी टीम में रतारा थानाध्यक्ष त्रिलोकनाथ शर्मा, एसटीएफ टीम, डीआईयू सेल के पदाधिकारी, कर्मी और रतपारा थाना के सशस्त्र बल शामिल। एक मर्डर हुआ था 15 अप्रैल 2024 को, जिसमें रतवारा थाना अंतर्गत मुकेश कुमार सिंह उर्फ मुन्ना मुखिया को तेज धारदार हथियार और गोली के साथ वार करके हमला करके हत्या कर दी गई थी। इस कांड के प्रतिवेदित होने के बाद से ही हमारी टीम, जिसको लीड कर रहे थे एसडीपीओ उदा किशनगंज और हमारे लोकल कुछ एसएचओस थे, साथ में हमारी इंटेलिजेंस टीम थी, इनके द्वारा लगातार एविडेंस का अवलोकन करके, तथ्यों का अनुश्रवण करके सूक्ष्मता से अवलोकन किया जा रहा था। शुरुआती ही दौर से कुछ अहम क्लूज हाथ में लगे थे। जब उनको डेवलप किया गया तो तकनीकी अनुसंधान के बेस पे इस टीम के द्वारा दो व्यक्तियों को जो है चिन्हित किया गया। वो दोनों व्यक्तियों को एसटीएफ की मदद से पकड़ा गया है। एक का नाम झपटा सिंह है, पेसर रामोतार सिंह, और दूसरे का नाम रोहित सिंह। ये दोनों अपराधकर्मी कुख्यात अपराधकर्मी रहे हैं, नॉट ओनली इन मधेपुरा, ये सहरसा और पूर्णिया तक इनके अपराध के जो हैं केसेस दर्ज हैं। इन दोनों के ऊपर 25-25 हजार का इनाम है सहरसा में, और ये दोनों इस कांड में अपनी संलिप्तता जो है इनके द्वारा स्वीकार की गई है, तथा पूरा षड्यंत्र इन लोगों के साथ कौन कौन था, ये पूरी मिलीभगत क्या थी और हथियार कौन सा इस्तेमाल हुआ था, उसके बाद ये लोग किस 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 के साथ संपर्क में थे, सारा कुछ इनके द्वारा बताया गया है। इन्हीं की निशानदेही के बाद तीसरे व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से जो घटना में प्रयुक्त हथियार था एक देसी कट्टा, वो बरामद किया गया है। इसके अलावा जो अपराधकर्मी इनके द्वारा बताए गए हैं उसके ऊपर जो है हमारी टीमें रेड कर रही हैं। तो कुल मिला के जो गिरफ्तारियां हैं वो तीन हैं। घटना का जो कारण है, घटना का कारण है वहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई और एक पूर्व में मर्डर हुआ था सिंटू कुमार का, जिसमें जो जिनकी हत्या हुई है मुन्ना मुखिया, उसका नाम ये लोग बता रहे हैं कि उसने करवाया था। उसके अलावा भी वर्चस्व की लड़ाई को, वहाँ लोकल पॉलिटिक्स की लड़ाई को लेके, या लोकल इनका जो गैंग रहता है, गैंग वॉर टाइप, तो उसको लेके ये एक दूसरे पर पहले भी छोटा मोटा हमला कर चुके थे। और 15 तारीख को इसके द्वारा ये जो तीन अपराधकर्मी हैं तथा इनके साथ जो संलिप्त और हैं, जिनका नाम इन्वेस्टिगेशन के क्रम में आएगा, अभी हम नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं, तो उनके द्वारा जो है अटैक करके इनकी हत्या कर दी गई थी मुन्ना मुखिया की। गिरफ्तारी हुई है झपटा सिंह की, रोहित सिंह की और अखिलेश मेहता की। बरामदगी एक देसी कट्टा है। अपराधी के इतिहास जो झपटा सिंह है, इसके ऊपर 7 केस दर्ज हैं, पूर्णिया का बसनही थाने का एक, बाकी आलमनगर के हैं। जो रोहित सिंह है, इसके ऊपर 10 केस दर्ज हैं, इनमें से बसनही के भी कुछ हैं, आलमनगर के कुछ हैं, और जो अपराधी अखिलेश है, जो तीसरा व्यक्ति है,
जिसका बिहारीगंज और उदा किशनगंज में भी कुख्यात केसेस दर्ज हैं। तो इस पूरे छापामारी दल में जो हमारे पुलिसकर्मी हैं और जो साथ में सहयोग एसटीएफ करा है, उसके द्वारा कुशलतापूर्वक इस कांड का उद्भेदन किया गया है और जो अन्य अपराधकर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी में जो है ये लोग लगे हुए हैं। आगे भी गिरफ्तारी जो है की जाएगी। धन्यवाद सभी का।